ऑल राइट, हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे कमेंट करते हो यार। चलो एनीवेज, फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। गाइस जल्दी से वीडियो के लिंक को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जो कोई भी आपके एस्पिरेंट्स हैं। ऑल राइट, सो आज का सेशन किस पर है आप लोग सभी जानते हैं। टुडे सेशन इज व्हाट एंड हाउ टू स्टडी करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स में क्या कुछ पढ़ना जरूरी होता है, कहां से इन टॉपिक्स को पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए, ये सारे टॉपिक्स, ये सारे पॉइंट्स बहुत सारे क्लैट एस्पिरेंट्स को, एचएम एस्पिरेंट्स को कई बार तंग करते हैं, परेशान करते हैं कि मैं टॉपिक्स के लिए सेलेक्टिव कैसे हो जाऊं। राइट, सो आज के इस सेशन में विल बी डिस्कसिंग। सबसे पहले तो मैं कई बार अपने प्रीवियस सेशंस में भी बोल चुका हूं, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, मैं कई बार अपने प्रीवियस सेशंस में भी बोल चुका हूं, न्यूज़पेपर रीडिंग को एक डेली हैबिट बना करके रखें। नॉट न्यूज़पेपर रीडिंग, न्यूज़पेपर स्टडिंग, स्टडिंग न्यूज़पेपर डेली की हैबिट में डालिए, क्योंकि उससे बहुत सारे आपके ऐसे स्किल्स डेवलप होते हैं जो अल्टीमेटली हर जगह पे ही आपके काम आते हैं, आप कोई भी एग्जाम के एस्पिरेंट हो। ठीक है, ऑल राइट गाइस, मैं पहले से फिर से बता दूं, अगर किसी ने क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश करे तो सिंपली मैं उसे ब्लॉक कर दूंगा यहां से। दिस सेशंस आर फ्री सेशंस, इसका भरपूर फायदा उठाइए। उसके अलावा जो कुछ भी डाउट्स है अलग से हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई वाज सेइंग कि न्यूज़पेपर की जो स्टडी है वो आप अपने डेली रूटीन में लाइए, रेगुलरली न्यूज़पेपर से चीजों को पढ़िए, समझिए, क्योंकि ये चीजें, न्यूज़पेपर रीडिंग आपकी दोनों चीजों को इंप्रूव करता है, दैट इज इंग्लिश सेक्शन एज वेल एज जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल अवेयरनेस। जैसे कि लेटेस्ट पैटर्न में आप लोगों ने क्लैट में देखा होगा, सारी चीजें पैसेज बेस्ड हो गई है। होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में बात करूं तो एनसीएचएम सीटी में 60 क्वेश्चंस का वेटेज तो सिर्फ इंग्लिश का ही होता है, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज पैसेज, आरसीज भी अच्छे खासे एचएम में पूछे आते हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे आते हैं।
अच्छा लॉ एस्पिरेंट्स, क्लैट के अलावा आप जब दूसरे एग्जाम्स देते हैं, एलेट हो गया, एमएससीटी हो गया, इन सभी एग्जाम्स में भी इंग्लिश का इक्वल इंपॉर्टेंस, इक्वल वेटेज ही होता है। तो न्यूज़पेपर की जो पढ़ाई है, न्यूज़पेपर की जो स्टडी है, वो आपके लाइफ के हर तरह के एग्जाम में, जिस एग्जाम को भी आप एस्पायर कर रहे होंगे, जिसके भी आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, हर उस जगह पे न्यूज़पेपर रीडिंग आपको रखना ही रखना है। ठीक है, सो नाउ अब जैसे कि कई बार क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है, इंग्लिश पूछने का तरीका चेंज हो रहा है, करंट अफेयर्स पूछने का तरीका चेंज हो रहा है, सारा कुछ पैसेज बेसिस पर जा रहा है, तो इस पे बहुत ज्यादा जरूरी नहीं कि आप पैसेज पूरा रीड करें। बट हां, आपने खुद ये चीज ऑब्जर्व किया होगा, जिन लोगों में ये दो तीन कैपेबिलिटीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो उनकी रीडिंग स्पीड अच्छी हो, तो डेफिनेटली उनकी कॉम्प्रिहेंडिंग स्पीड भी अच्छी होती है। ठीक है, रीडिंग स्पीड अच्छी होने के साथ साथ अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर रीड करते हो, और उसमें कई बार मैक्सिमम चांसेस ऐसे बनते हैं कि वो जो पैसेज एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है उसके बारे में एक बेसिक आइडिया हमको पता होता है, एक बेसिक नॉलेज हमको होता है। तो एक बार आपने अपनी रीडिंग स्पीड अच्छी कर ली, साथ ही साथ उस पैराग्राफ के बारे में, उस पैसेज के बारे में, उस टॉपिक के बारे में अगर एक आपको बेसिक नॉलेज है, तो दूसरे एस्पिरेंट को उसे एक आरसी को बनाने में जहां 5 से 8 मिनट लग रहा होगा, आपको उसका हाफ ही टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसी को अगर आप इंग्लिश के सेक्शन के लिए जहां पे 15 मिनट 18 मिनट देते हैं, वो सीधे सीधे इट विल बी रिड्यूस बाय 50%। आप जब करंट अफेयर्स के सेक्शन में जाते हैं, करंट अफेयर्स के सेक्शन में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, करंट सेक्शन पूछा जाता है, स्टैटिक पार्ट पूछा जाता है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सभी चीजों को तैयार करने का एक फिक्स पैटर्न है, बहुत ज्यादा इसको लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो आज के सेशन में यही दोनों चीजों को हम सीखेंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। राइट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूज़पेपर जैसे ही आप लोग खोलते हैं, सभी को मैं बोलूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सभी को, बहुत सारे लोग को, आप लोगों को पता होगा कि जो फूसजेन जो है रेगुलरली न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशंस अपने चैनल में हम लोग अपलोड करते हैं, तो उस दिन के हिंदू के एडिटोरियल के सेशंस एज वेल एज जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होते हैं वो सारी चीजें वहां पर हम अपलोड करते हैं। ये भी देखते हैं कि उस दिन के इंपॉर्टेंट न्यूज क्या कुछ है। ठीक है, तो आप जब भी न्यूज़पेपर रीड करें, जब भी आप न्यूज़पेपर रीड करें, या कोई समझ लो कि कोई बिगनर है न्यूज़पेपर्स के लिए, तो आप न्यूज़पेपर ओपन करते ही कुछ चीजों को पहले सॉर्ट आउट करोगे। आज हम कुछ टॉपिक्स को देखेंगे, कुछ टॉपिक्स के लिस्ट बनाएंगे, इतने टॉपिक्स को आप पहले सॉर्ट आउट करोगे, उसके बाद न्यूज़पेपर को पढ़ने जाओगे। ठीक है, क्योंकि आप रैंडमली जब न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमको भी समझ में नहीं आएगा, एज अ बिगनर मैं खुद नहीं समझ पाऊंगा भाई ये पॉइंट मेरे काम का है नहीं है, मुझे डाउट होगा भाई यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा। ठीक है, तो जब भी आप न्यूज़पेपर उठाए, पहले 5 to 8 मिनट्स उसमें डेडिकेट करें कि सॉर्ट आउट करने के लिए ताकि मुझे कितना पढ़ना है। राइट, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है दैट इज नंबर 1, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट इनिशिएटिव से रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत चांसेस है क्वेश्चन पूछने के। अब बात होती है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव मतलब क्या। 2 दिन पहले किसी ने अगर न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आप लोगों ने एक इनिशिएटिव का नाम सुना होगा, पीएम गरीब कल्याण योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना। सो दिस इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव। जब मैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में बात कर रहा हूं तो यहां पे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मेजर इनिशिएटिव आया हो, कोई स्टेट गवर्नमेंट का एक मेजर इनिशिएटिव आया, दोनों चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्जाम्पल हो गया, जैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव हो गया PMGKY। अब मैं अगर एक स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम्पल लूं, सीजी गवर्नमेंट का एग्जाम लूं, तो लास्ट मंथ मई के न्यूज़पेपर में आप लोगों ने पढ़ा होगा राजीव गांधी कल्याण योजना। ठीक है, तो ये जो इनिशिएटिव्स हैं, इन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में सबसे पहले तो हमको ये पढ़ना होगा कि ये इनिशिएटिव है क्या, ये इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है, मतलब कहने का मतलब क्या ये फूड सिक्योरिटी एक्ट से रिलेटेड है, क्या ये फार्मर्स से रिलेटेड है, क्या ये प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड है, तो ये इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है ये हमको पता होना चाहिए। सेकेंड थिंग, थर्ड पॉइंट इज, ये इनिशिएटिव का टारगेट क्राउड कौन है, क्या ये इनिशिएटिव रूरल पुअर के लिए रखा गया, क्या ये इनिशिएटिव अर्बन पुअर के लिए रखा गया, क्या ये इनिशिएटिव विमेन के लिए रखा गया, क्या ये इनिशिएटिव चिल्ड्रन के लिए रखा गया है, क्या ये इनिशिएटिव सिर्फ लेबर्स के लिए रखा गया, क्या सिर्फ फार्मर्स के लिए रखा गया, तो ये जो टारगेट क्राउड है इस इनिशिएटिव का ये हमको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट थिंग, मैं चाहूंगा आप लोग सभी इन पॉइंट्स को लिखते चले क्योंकि इतने डिटेल में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। सो टारगेट क्राउड पढ़ने के बाद हम लोग को याद रखना होगा उस इनिशिएटिव का बजट एलोकेशन, सरकार ने कितने का बजट रखा हुआ है। 1000 करोड़ का इनिशिएटिव है, 10000 करोड़ का इनिशिएटिव है, 20000 करोड़ का इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव का अमाउंट हमको याद होना चाहिए, राइट। जैसे मैं बोलूं आत्मनिर्भर पैकेज, आत्मनिर्भर पैकेज का टोटल कॉर्पस कितने का है, कितने कितने का है, राइट। एग्रीकल्चर के लिए कितना पैसा जाएगा, एमएसएमई के लिए कितना पैसा जाएगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए कितना पैसा जाएगा। तो कोई भी इनिशिएटिव जब हम पढ़ते हैं तो इनिशिएटिव में वो इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है, उसका टारगेट क्राउड क्या है, उसका बजट एलोकेशन क्या है, इस इनिशिएटिव को कहां से इंट्रोड्यूस किया गया, कौन से गांव से, कौन से स्टेट से इंट्रोड्यूस किया गया, और इस इनिशिएटिव का टारगेट ईयर क्या होगा। ये 5 से 6 पॉइंट्स आप लोग सभी को पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये 5 से 6 पॉइंट आप लोग सभी को पढ़ना है। एमजी नरेगा भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, बिल्कुल है, स्कीम को ही इनिशिएटिव बोलते हैं देवम जी, राइट। सो माय पॉइंट इज, आप कोई भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव पढ़ते हो तो आपको इन की पॉइंट्स को पढ़ना है, राइट। अगर आप लोग पूरा न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ रहे, देखिए क्या होता है, फर्स्ट डे जैसे जल शक्ति मिशन एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, तो जल शक्ति मिशन के बारे में जब वो हेडलाइन बनाता है तो सबसे पहले दिन, राइट, ऑन द फर्स्ट डे यू विल गेट ऑल दीज डिटेल्स। तो ये डिटेल जैसे ही पहले दिन आ गया, अपने पास नोट्स बना करके रखो या उसकी सॉफ्ट कॉपी रखो, उसको याद करो। उसके बाद आने वाले 5 दिन 8 दिन 10 दिन तक आपको रोज इस इनिशिएटिव से रिलेटेड आर्टिकल्स मिलेंगे। तो क्या होगा, आप रेगुलरली जब इन इनिशिएटिव्स के आर्टिकल्स को रीड करोगे तो आपके दिमाग में अपने आप वो छपता जाएगा कि मैंने क्या कुछ फैक्चुअल्स यहां पे याद किए थे, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी तरह का गवर्नमेंट इनिशिएटिव पढ़े तो इन हेड्स पे उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, राइट। कमिंग टू सेकेंड पॉइंट, सेकेंड वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स में क्या कुछ पढ़ना जरूरी है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट को इंप्लीमेंट किया गया, जिसके तहत आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 335 ए को स्क्रैप किया गया, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स या कोई कॉन्स्टिट्यूशन की डिग्निटरी किसी भी तरह से इन्वॉल्व होती है तो वो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है, ठीक है। रिसेंटली आप लोग सभी ने सुना होगा तूतुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट में जो कस्टोडियल डेथ्स हुई है, एक फादर और उनके सन का जो कस्टोडियल डेथ हुआ है उसके बारे में काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, पूरे सोशल मीडिया में इस पर खूब गुस्सा दिखाया जा रहा है। तो ये अगर आप ऐसे ही न्यूज देखोगे तो ये आपके काम का नहीं है, राइट। लेकिन जब आप उस न्यूज से रिलेटेड उसके आर्टिकल्स में जाओगे तो आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसलेट्स मिलेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट केसलेट्स मिलेंगे, कहने का मतलब गाइस अगर मैं कुछ पॉइंट बोल रहा हूं तो प्लीज मेरे पे ध्यान दीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट केसलेट्स मिलेंगे, जैसे जोगिंदर कुमार का केस का नाम मिलेगा आपको, डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल केस का नाम मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट केसेस से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट। जैसे एलेट हो गया, एमएससीटी हो गया, इन सारे एग्जाम्स में इन केसेस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन केसेस को देख करके आपको करंट अफेयर्स के सेक्शन में एक आर्टिकल पूछा जा सकता है कि भाई ऐसा कुछ केस हुआ था तो इस केस के तहत कौन कौन से आर्टिकल्स को एनक्रोच किया गया था, किस तरह से उन पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को एनक्रोच किया गया था। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स के न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, राइट। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, जैसे ही कोई ऐसा केस होता है जहां पर किसी पर्सन के राइट को एनक्रोच किया गया हो, राइट का वायलेशन हुआ हो, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरी उसमें इन्वॉल्व हो, इस तरह का कोई भी केस में से इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का जो कुछ भी कॉन्सेप्ट लगता है, कॉन्टेक्स्ट आता है, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स आपको और बेटर समझ में आएगा जब मैं उसे आर्टिकल से आपको लिंक करके बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इकॉनमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स, इकॉनमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स में स्पेसिफिकली अगर मैं आप लोगों के बारे में बात करूं तो आप लोगों को बहुत ज्यादा इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि भाई आरबीआई ने एक नया स्कीम लॉन्च किया है, आरबीआई ने रेपो रेट इंक्रीज किया, रिवर्स रेपो इंक्रीज किया, ये जो कुछ भी बेसिक टर्म्स है इसका एक बेसिक नॉलेज आप लोगों को होना जरूरी है, राइट।
नेक्स्ट सबसे ज्यादा जो चांसेस है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड समिट्स। जिस ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम आप न्यूज में देखते हैं, सपोज आपने न्यूज में देखा कि इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से इतने मिलियन डॉलर का लोन दिया हुआ है, राइट? नाउ मैंने सुन लिया भाई एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम वर्ल्ड बैंक, राइट? तो वर्ल्ड बैंक के बारे में आपने थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज लिया, क्योंकि इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वर्ल्ड बैंक है कहां पे, इसके हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं, इसके हेड कौन है, इसके मेंबर कंट्रीज कौन है, और थोड़ा सा अगर पीछे जाए तो इंडिया ने इसे कब ज्वाइन किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं जब किसी भी तरह का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का न्यूज आपको मिलता है। तो स्पेसिफिकली ध्यान दें, यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जो कोई ऑर्गेनाइजेशन का आपको नाम मिलता हो, वो चाहे यूनेस्को हो, यूनिसेफ हो, यूनेक्टाड हो, इसके अलावा जो इंडिया जिसके मेंबर्स है, लाइक ब्रिक्स हो गया, सार्क हो गया, राइट? इसके अलावा एक सेकेंड, हाँ, कुछ और मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक ओईसीडी हो गया, ओपेक हो गया, आईएसए हो गया, ये जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इन सभी के बारे में एक बेसिक नॉलेज हम लोगों को होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन है कहां पे, इसका लोकेशन कहां पर है, हेडक्वार्टर्स कहां पर है, इसका हेड कौन है, कब ये बना था, और करेंटली इसमें क्या कुछ डेवलपमेंट्स हैं, एंड हाउ डज इट अफेक्ट इंडिया, राइट? तो इस तरह से आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट समिट्स। समिट से रिलेटेड हमारे लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। सबसे पहला, ये समिट का नाम, ये समिट का टाइटल क्या था, ये समिट का थीम क्या था, एंड फर्स्ट टाइम ये समिट कहां पे हुआ था, एंड अपकमिंग समिट कहां पे होगा। मेरे पॉइंट्स को ध्यान दें, इंटरनेशनल समिट्स कभी भी होते हैं तो ये समिट फर्स्ट टाइम कहां पे हुआ था, ये समिट अभी नेक्स्ट वाला कहां पर होने वाला है, इंडिया कब से इस पर ज्वाइन किया इंडिया ने, इंडिया इस समिट का टाइटल, इस समिट का थीम, ये सारे पॉइंट्स यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, राइट? आगे बढ़ता हूं मैं। गाइस, इस सेशन को, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और लास्ट तक इसे देखें, बिकॉज इतने डिटेल में आपको ये चीजें कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है, राइट? नेक्स्ट वन इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारे लिए क्या कुछ काम की चीजें बनती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जैसे इससे रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, नासा हो गया, इन ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ लेटेस्ट लॉन्च हो गए, ये ऑर्गेनाइजेशन के जो लॉन्च पैड्स हो गए, ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशंस का जो लोकेशन है, इन ऑर्गेनाइजेशंस का जो हेड है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है? साइंस एंड टेक के तहत द मेजर साइंस साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, नासा हो गया, समिट मतलब होता है मीटिंग, इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, नासा हो गया, इनके हेड कौन है, इनका लोकेशन क्या है, इनके लेटेस्ट वर्क क्या है, लेटेस्ट लॉन्चेस क्या है, इनके इससे रिलेटेड जो कुछ भी न्यूज आता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज डिफेंस। डिफेंस सुनते ही सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज बनती है, दैट इज मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ठीक है? डिफेंस में सबसे इंपॉर्टेंट आता है मिलिट्री एक्सरसाइजेस। इंडिया का यूएस के साथ एक्सरसाइज का नाम क्या है, इंडिया का रशिया के साथ एक्सरसाइज का नाम क्या है, इंडिया के श्रीलंका के साथ एक्सरसाइज का नाम क्या है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज में क्या कुछ इंपॉर्टेंट बनता है। पहली बात तो मिलिट्री एक्सरसाइज का नेम एंड इसका लोकेशन, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एंड द नेक्स्ट वन इज इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। क्लैट में सबसे ज्यादा जो चांसेस जहां से क्वेश्चन पूछने का, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स है, ठीक है? इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स में हमें क्या कुछ पढ़ना है। सबसे पहली बात, इस इंडेक्स या इस रिपोर्ट को कौन सी कंपनी ने रिलीज किया है, ठीक है? ये इंडेक्स किससे रिलेटेड है, इस इंडेक्स या इस रिपोर्ट का थीम या फिर टाइटल क्या है, इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या है, समझ में आ रही बात? जैसे ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स एक नए इंडेक्स का हमको नाम जैसे ही पता चलता है, तो ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बनाता कौन है,
इस इंडेक्स में क्या कुछ हमको नॉलेज मिलता, ये इंडेक्स बनाने वाले कंपनी का नाम, ये इंडेक्स का टाइटल क्या है, इस इंडेक्स का थीम क्या था, एज वेल एज इस इंडेक्स की मेजर फाइंडिंग्स क्या थी, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं, आ रहा हूं। अमर नागसेन जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्संस एंड ऑबिचुअरीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्संस एंड ऑबिचुअरीज पे बहुत ज्यादा बैठ करके फोकस करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसकी लिस्ट बहुत लंबी होती है। हर महीने जितने भी जीके कैप्सूल्स बनते हैं सभी में नेम्स होते हैं, बट एक सेकेंड जस्ट। इंपॉर्टेंट पर्संस एंड ऑबिचुअरीज में ये चीज ध्यान में रखें कि जो कोई भी मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरी रहा हो, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या फोर्सेस से रिलेटेड, इस तरह के कोई भी पर्सन कभी न्यूज में आते हैं तो उतने को ही ध्यान में रखेगा, उसके बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन इज अपॉइंटमेंट्स एंड ऑफिस होल्डर्स। ये आ गया आपका जब आप ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नेम पढ़ रहे हो तो वहां पर आपको इनके हेड्स के बारे में भी पढ़ना होगा। ब्रांड एम्बेसडर्स एंड सीईओस, स्पेसिफिकली एचएम एस्पिरेंट्स, एमएससीटी वाले, एलसेट वाले, आप लोग ध्यान रखें जो मेजर ब्रांड एम्बेसडर्स है, जो इंडिया से जो दूसरी कंपनीज के जो सीईओ हैं, मेजर एमएनसीज के जो सीईओज हैं, उनका नेम्स हमको याद रखना जरूरी है। स्पोर्ट्स इवेंट लिस्ट बहुत लंबा चौड़ा है, जो कुछ भी आपको जिस कैप्सूल में मिलता है उतना ही पढ़ना काफी होगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ठीक है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स में कुछ अवार्ड्स होते हैं जो जर्नलिज्म से रिलेटेड होते हैं, जैसे आप लोग सभी ने बुकर प्राइज का नाम सुना होगा, पुलिट्जर प्राइज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसके अलावा और मेजर अवार्ड्स, जैसे इंडिया में अगर मैं बात करूं तो भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, इस तरह के जो भी अवार्ड्स होते हैं और जो ऑनर्स होते हैं, राइट, सपोज इंडिया के किसी डिग्निटरी को दूसरे कंट्री ने ये ऑनर किया है, उनके यहाँ का हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है, तो उस अवार्ड का नाम, कौन सी कंट्री ने वो अवार्ड दिया है और किसको दिया है, ये चीजें इंपॉर्टेंट बनती है। नेक्स्ट बुक्स एंड ऑथर्स एज वेल एज मिसलेनियस, इसमें बहुत ज्यादा नहीं मैं जाऊंगा। बुक्स एंड ऑथर्स में आपको लेटेस्ट जो कुछ भी, जैसे जनरली हिंदू में आता है कि कोई सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कोई बुक निकला हो तो उस ऑथर का नाम क्या है, या पुराने समय में हिस्ट्री में आप जाते हैं तो तुलसीदास, कालिदास, या मुगल रेजिम में जितने कुछ भी मेजर बुक्स लिखे गए हैं, या आपको मौर्य एज में जो मेजर एपिटाफ्स लिखे गए, ये सारी चीजों से रिलेटेड आपको जो ल्यूसेंट की बुक में मिल जाएगा सारा डिटेल, आपको उतना ही पढ़ना काफी होगा क्योंकि ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब वन लाइनर जैसे जो क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। तो एक दिन के न्यूज़पेपर में आपको इतनी चीजें पहले समझनी है, पहले सॉर्ट आउट करनी है। अभी सुनने में बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा इतना ज्यादा कौन पढ़ेगा, कौन समझेगा। गाइस, मेरी गारंटी है एक बार आपने अगर इन चीजों को समझ लिया तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में जो ऐसे ही रैंडमली आप बैठोगे तो 2 से 2.5 घंटा लगना है, वो सीधे सीधे 50% रिड्यूस हो जाएगा न्यूज़पेपर का जो टाइम है। ठीक है, तो इतनी चीजें हमको पढ़नी पड़ती है जब भी आप किसी भी एग्जाम के करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ठीक है, ऑल राइट, अब चलते हैं एक न्यूज़पेपर से। मैं आपको दिखाता हूं कि भाई न्यूज़पेपर से हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, किस बेसिस पर किसी भी टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, हाँ भाई, सो अब जैसे ही सपोज मैं न्यूज़पेपर ओपन करता हूं तो न्यूज़पेपर ओपन करते ही क्या कुछ चीजें मेरे लिए काम की होती है। इंटरनेशनल रिलेशन,
इंटरनेशनल रिलेशन में जैसे कि रिसेंटली आप लोगों ने देखा इंडिया चाइना एलएसी स्टैंड ऑफ, इंडिया चाइना एलएसी स्टैंड ऑफ में इसमें क्या कुछ चल रहा है, ये चीजें तो हमारे न्यूज़पेपर डिस्कशन में आपको मिल जाएगा। बट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एग्जाम में क्या कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाइक इंडिया चाइना इश्यू स्टार्ट होने का एक बहुत बड़ा रीजन बोला जा रहा है जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 अगस्त, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया, जेएंडके एंड लद्दाख। तो यहां से अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दोनों के गवर्नर्स कौन है, ठीक है। अब जो ये स्टैंड ऑफ हुआ है इसमें बहुत सारे टर्म्स आप लोग को सुनने मिला होगा, जैसे आप लोगों ने सुना होगा गलवान वैली, पेंगोंग सो लेक, फिंगर पॉइंट्स, फिंगर वन से लेकर फिंगर एट तक, पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17। तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया चाइना के बीच में गलवान वैली कौन सी टेरिटरी में आता है, फिंगर पॉइंट्स कहां पे आते हैं, इंडिया कहां तक पेट्रोलिंग करता है, पेंगोंग सो लेक की पोजीशन क्या है। साथ ही साथ आप लोगों ने सुना होगा इंडिया और नेपाल का भी टेरिटरी को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है, काला पानी टेरिटरी डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये जो काला पानी एरिया है ये कौन से तीन कंट्रीज के ट्राइजंक्शन के बीच में आता है, काला पानी से रिलेटेड जो ट्रिटी है ट्रिटी ऑफ सगौले ऑफ 1816 ये कौन से दो पार्टीज के बीच साइन हुआ था। इस तरह के क्वेश्चंस आपके इंटरनेशनल रिलेशन से बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, तो इस तरह से आपको यहां से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको खोज के निकालना है। नेक्स्ट टॉपिक देखता हूं, तो एक तो हमको मिल गया इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक, उसके बाद जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, पॉलिटिकल न्यूज आपके बिल्कुल भी काम का नहीं है, पहले काम की चीजें सारी चीजें पढ़ने के बाद अगर समय बचता है तो ही पॉलिटिकल न्यूज पे जाइएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए वो काफी सारे पेजेस तक मुझे उससे रिलेटेड टॉपिक कुछ मिला नहीं, फिर आते हैं आर्टिकल पे, ठीक है। आर्टिकल पुलिस रिफॉर्म एंड द क्रूशियल जुडिशियल एक्टर, एक आर्टिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमको इस तरह के एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए कि हमारी रीडिंग स्पीड, एक अच्छी रीडिंग स्पीड माना जाता है 300 वर्ड्स पर मिनट, बट बिगनर्स के लिए 300 वर्ड्स पर मिनट का रीडिंग स्पीड बहुत टफ हो जाता है। तो धीरे धीरे आपकी रीडिंग स्पीड डेवलप होगी, ठीक है, धीरे धीरे पैराग्राफ वाइज समझ करके अपनी रीडिंग स्पीड जनरेट करने की कोशिश करें, रीडिंग स्पीड बिल्ड करना है हमको, ठीक है। बट साथ ही साथ हमको इसके जो क्या बोलना चाहिए कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में भी ध्यान देना है, क्योंकि एक आर्टिकल में हमको क्या कुछ नॉलेज मिलता है, पहली बात कुछ फैक्चुअल्स मुझे मिलेंगे, साथ ही साथ इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो बहुत सारे यूसेजेस मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे वोकैबुलरी मिलेंगे, उसके सिनोनिम्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स मिलेंगे, इडियम फ्रेजेस मिलेंगे। इस तरीके से एक होलिस्टिक प्रिपरेशन होती है जब आप रेगुलरली आर्टिकल्स रीड करते हो। तो अब जैसे देखिए इस आर्टिकल में पुलिस रिफॉर्म एंड क्रूशियल जुडिशियल एक्टर, ये आर्टिकल सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर से लिंक करता है, क्योंकि रिसेंटली जो थूथुकुडी में हुआ था उसमें बोला जा रहा है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 ये तीनों चीजों का वायलेशन हुआ है वो दोनों सिटीजन्स के साथ। अब देखिए इसी आर्टिकल में मुझे तीन इंपॉर्टेंट केसेस मिले, द नेम्स ऑफ द केसेस जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, और एक केस है हाँ, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006। अब इस आर्टिकल को आप जब पढ़ रहे हैं तो यहां पे तीन इंपॉर्टेंट केसेस का आपको नाम मिला, पढ़ने के बाद इन केसेस को साइड में नोट करें, ठीक है, क्योंकि बहुत चांसेस है हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हाँ यूपी का, यूपी में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस किससे रिलेटेड थे। थोड़ा सा मैं इसके बारे में एक बेसिक आइडिया दे दूं, जोगिंदर कुमार एक 28 साल का एक यंग लॉयर था, ठीक है। तो केस ऐसा स्टार्ट होता है कि उस पर्सन को एक वो एक खुद एक पिटिशनर था, उसे किसी रीजन से डिटेन किया गया था, ये बोला गया था एसएसपी गाजियाबाद ने बोला था कि हमको इनसे कुछ इंक्वायरीज लेनी है। तो फर्स्ट डे वो पर्सन अपने भाई के साथ जाता है तो पुलिस डिपार्टमेंट उनको बोलती है कि इस पर्सन को आज यहीं पे रोकना पड़ेगा, तो उनके भाई को भेज दिया जाता है, ठीक है। सेकेंड डे फिर से उसको वहीं पर डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है, बोलता है कि और कुछ इंक्वायरीज चाहिए, घर वालों के पूछने पर भी कोई जवाब नहीं आता। ऐसे करते करते तीसरा दिन भी हो जाता है, तीसरे दिन जब घर वाले जाकर के पुलिस डिपार्टमेंट में पूछते हैं कि हमारा बेटा कहां है,
देन दे से कि उसे एक अनडिस्क्लोज लोकेशन में ट्रांसफर कर दिया गया। और ये चीज सुनते ही घर वाले सीधे सीधे दे फाइल हेबियस कॉर्पस रिट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास हेबियस कॉर्पस का जो रिट ज्यूरिसडिक्शन का पावर है अंडर आर्टिकल 32, ये सीधे सीधे इश्यू होता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड अगेंस्ट SSP गाजियाबाद। अब देखिए ये एक छोटे से केस में आपको कितने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर से रिलेटेड न्यूज मिल रही है। इससे रिलेटेड एक पूरा का पूरा पैराग्राफ बन सकता है, लीगल रीजनिंग का पूरा पूरा पैराग्राफ बन सकता है, ठीक है। तो यहां पर जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस को इसलिए जाना जाता है बिकॉज अरेस्ट का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, गाइडलाइंस टू द अरेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में रिलीज किया था। अरेस्ट का बेसिक डेफिनेशन आप लोग सभी जानते हैं, एन अरेस्ट अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ डिफाइन करता है कि एन अरेस्ट इज एन एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू प्रेजेंट एन अक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट एंड प्रिवेंट हिम फ्रॉम एब्सकॉन्डिंग। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 41 से सेक्शन 61 तक अरेस्ट के बारे में बात किया गया, लेकिन अरेस्ट को डिफाइन नहीं किया गया। सो ये सारी चीजें जो है आपको इस तरह के केसेस से मिलेगी, और इस तरह का जो न्यूज है कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर से रिलेटेड न्यूज, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स आपके तैयार होते जाएंगे, ठीक है। तो ये आर्टिकल जब हम रीड करेंगे तो ये तीनों केसेस के बारे में एक बेसिक नॉलेज आप लोग को लेना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, स्ट्राइकिंग अ ब्लो अगेंस्ट असम्स इंक्लूसिव इथोस। वैभव एक सेकंड, मैं जब पॉइंट्स बोल रहा हूं तो प्लीज आप लोग बीच में डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो आप लोग का लॉस होगा यार, ठीक है। तो स्ट्राइकिंग अ ब्लो अगेंस्ट असम्स इंक्लूसिव इथोस में यहां पर लिंग्विस्टिक बेसिस पर डिफ्रेंसिएशन, लैंग्वेज का रिकॉग्निशन, इन सभी चीजों के बारे में बात की गई है। तो इन सभी चीजों के जो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स हैं, राइट, लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल रिकॉग्नाइज करता है, कौन सा पार्ट रिकॉग्नाइज करता है, इनका एक बेसिक नॉलेज आपको इसको पढ़ करके मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। Reforming India's digital policy, the country needs to attract FDI and advance its goal of becoming a $5 trillion economy. इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनता है। ये आर्टिकल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां पर मुझे एक लाइन मिला, ध्यान दीजिएगा। लाइन ये था, द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जस्ट रिलीज्ड इट्स लेटेस्ट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट एंड प्रोजेक्टेड दैट FDI to developing Asian economies could drop by as much as 45%. ये पैटर्न का क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है। पहली बात, आपने एक नए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना, यूनेक्टैड, UNCTAD। यूनेक्टैड हेडक्वार्टर्स कहां पर है, यूनेक्टैड बना कब था, इसका हेड कौन है। यूनेक्टैड ने जो रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज किया था, उस रिपोर्ट का टाइटल क्या था, उस रिपोर्ट का नाम क्या था, उनके रिलीज में एफडीआई कितना ड्रॉप कर जाएगा, ये पूछा गया। ये सारे फैक्ट सीधे सीधे आपको यहां से उठा करके ले सकते हैं, क्योंकि मैं एक चीज आपको बता दूं, आप सिर्फ कैप्सूल्स के भरोसे बैठोगे तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, ठीक है। पूरे इंडिया में आप देखेंगे जगह जगह पे ढेर पड़ा हुआ है कैप्सूल्स का, फिर क्यों बच्चे सीए में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, द रीजन इज क्योंकि वो कैप्सूल आपको इन डिटेल इन डेप्थ नॉलेज नहीं प्रोवाइड करता, ठीक है। जब चीजों को आप इस कॉन्टेक्स्ट से इस तरह तरीके से पढ़ोगे तो आप बेटर उस पर परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज मुझे किससे रिलेटेड मिला था, हाँ अब ये एक न्यूज मिला था मुझे, केरला विलेज डिप्लॉयज रॉबोट नर्सेस फॉर पेशेंट केयर। सीधे सीधे वन लाइनर का क्वेश्चन बनता है, कौन सा ऐसा पहला स्टेट है जिन्होंने रॉबोट नर्सेस को इंप्लीमेंट किया पेशेंट केयर के लिए, आंसर इज केरला। नेक्स्ट स्कीम था, फूड ग्रेन स्कीम मीट्स लेस देन 15% ऑफ टारगेट। अब ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों बनता है, क्योंकि इस न्यूज में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को मेंशन किया गया है। इस न्यूज में इससे रिलेटेड फाइंडिंग्स भी बताई गई। इस न्यूज में यह भी बताया गया है आत्मनिर्भर पैकेज के तहत फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए गवर्नमेंट का एलोकेशन कितना था और कितना अमाउंट तक लोगों तक पहुंचा है। तो ये सारे फैक्ट्स गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। तो आज की अगर न्यूज़पेपर की मैं बात करूं तो इतनी ही चीजें हमको काम की मिली थी। तो आप लोग जब भी चीजों को रीड करते हो या न्यूज़पेपर ओपन करते हो तो सबसे पहले सॉर्ट आउट करें कि कितनी चीजें हमारे काम की है, ठीक है। और ये पूरा सॉर्ट आउट करने में आपको हार्डली 5 से 8 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। ये करने के बाद आप जब रीड करोगे तो आपका टाइम कम से कम वेस्ट होगा, ठीक है। अब जैसे एक न्यूज देखें,
मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल जू अथॉरिटी। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, एनवायरमेंट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सेंट्रल जू अथॉरिटी कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, सेंट्रल जू अथॉरिटी के जो हेड है वो कौन है, इसके जो ऑफिस है ये कहां पर लोकेटेड है, ये सारी चीजें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आई थिंक और कोई इंपॉर्टेंट, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज था, एनवायरमेंट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज था। दिस वन, टू मोर स्पीशीज एडेड टू इंडियाज लिस्ट ऑफ बटरफ्लाइज। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे पैटर्न में पूछा जा सकता है, ये दोनों स्पीशीज का नाम क्या है, ये दोनों स्पीशीज कहां से पाए गए, एनवायरमेंट के कॉन्सेप्ट से एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बनता है। तो इस तरीके से आपको इन चीजों को रीड करना है। ठीक है, सेकेंड थिंग मैं आप लोग सभी को सजेस्ट करूंगा, फ्री सेशन से रेगुलरली फ्यूजन में उस दिन के हिंदू का एडिटोरियल डिस्कशन होता है, उसमें कम से कम वी ट्राई की 3 से 4 आर्टिकल्स को वहां पर डिस्कस किया जाए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो इनिशिएटिव्स आ रहे हैं या जैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम वहां पर डिस्कस करते हैं। तो आप लोग सभी से मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग सभी को कि उन चीजों को जरूर आप लोग रिफर करें। ठीक है, ऑलराइट, अब आप लोग को कोई डाउट है, किम जोंग उत्तर कोरिया वाले ये कोई यूपी बिहारी लग रहे हैं हमको, हाँ भाई आप कोई डाउट है तो बताएं। ऑल राइट गाइस, सो आई होप सभी को आज का सेशन क्लियर हुआ कि न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है, कैसे कुछ न्यूज हमारे काम के हैं, कितने इंपॉर्टेंट न्यूज हैं। सेकंड थिंग, एवरी मंथ वी रिलीज कैटलिस्ट, जो हर मंथ का कैटलिस्ट होगा उस कैटलिस्ट में इन सभी जो एरियाज हमने आज डिस्कस किया उन सभी एरिया से रिलेटेड उस मंथ के इंपॉर्टेंट न्यूज होते हैं। साथ ही साथ वी प्रोवाइड एटलीस्ट 500 क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, तो आप लोग में से जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे आप लोग उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। विनयस क्वेश्चन, सीए कितना करना है, सीए बहुत करना है देवम जी। विनयस क्वेश्चन, एलएसी स्टैंड ऑफ क्या होता है, स्टैंड ऑफ मतलब किसी भी चीज का बहस, किसी दो लोगों के बीच का बहस, एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इंडिया और चाइना के बीच जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, जो बहस चल रही है उसे हम स्टैंड ऑफ कहेंगे, और ये स्टैंड ऑफ चल रहा है इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे। ठीक है, ऑल राइट गाइस, तो आज का सेशन आई होप सभी के लिए फ्रूटफुल रहा, प्रोडक्टिव रहा, और इससे रिलेटेड किसी को कोई भी दिक्कत होगी, कोई डाउट होगा तो आप लोग डायरेक्टली हमें पिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, थैंक यू, बाय बाय। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट है, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू बैचेस फॉर क्लाइंट टेलेट होटल मैनेजमेंट एंड क्राइस एंट्रेंस। चलेगा, जो कोई भी इंटरेस्टेड होंगे वो आप लोग को वो आप लोग हमारे वेबसाइट में पिंक कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, थैंक यू, बाय बाय।